So welcoming you all to the class number one of the amendments of SLCM, that is Securities Law and the Capital Markets, which is the paper number six of the module number two for the new syllabus of the CS Executor. And iski jitni bhi amendments hain, for that we are going to refer the supplement provided by the ICSI. So ICSI ki website se maine ye supplement aapke liye download karke rakha hai, jo ki 78 pages ka hai, and which is relevant for the December attempt students who are going to appear or going to be important. अगर मैं आपको इसके ओवरव्यू बताऊं तो इस 78 पेजेस में से अप्रॉक्सीमेट 28-30 पेजेस की अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। जितने भी सर्कुलर नोटिफिकेशंस रेगुलेशंस के अंदर बोर्ड ने जितनी भी अमेंडमेंट्स, बोर्ड कौन सा, सेबी, ठीक है, सेबी ने जितनी भी अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 30 पेजेस। तो आप पूछेंगे सर 78 में फिर बाकी 40 पेजेस में क्या है, दैट इज द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जो भी जजमेंट्स आई हैं रेलेवेंट, ठीक है। जो केस लॉज हैं, दैट इज ऑन द सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, ऑन आर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। क्योंकि केस लॉज कई बार छोटे ट्राइब्यूनल के भी होते हैं, एपलेट ट्राइब्यूनल के भी हैं, ठीक है। सो इन दैट केस उसको हम इतना वेटेज नहीं देंगे, मतलब जो टॉप प्रायोरिटी है दैट इज द अमेंड, ठीक है। एंड इन द टुडेज क्लास व्हेनेवर द केस लॉ इज गोना कम आई एम गोना स्किप इट, और आज की क्लास जो है दैट इज डेडिकेटेड ओनली टू द अमेंडमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी कवरिंग टू ऑल द अमेंडमेंट्स, और उसके बाद जो रेलिवेंट केस लॉज में को लगेंगे ओनली दैट वी विल बी कवरिंग, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले वो कहता है कि जी लेसन नंबर वन के अंदर SCRA के अंदर हमने कुछ अमेंडमेंट्स आपकी की हैं, उसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। सेबी एक नई चीज लेकर आई है जी, वो कहता है कि कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आपको पता है MCX के अंदर कमोडिटी डेरिवेटिव्स चलते हैं, ठीक है। गोल्ड फ्यूचर खरीदे बेचे जाते हैं, सिल्वर फ्यूचर खरीदे बेचे जाते हैं, और स्टील, एल्यूमिनियम, निकल, सारी चीजें जितनी भी हमारे पास कमोडिटीज हैं सबके फ्यूचर खरीदे बेचे जाते हैं। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि गोल्ड का रियल लाइफ में भी रेट चलता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी जो गोल्ड डेरिवेटिव है, जो अपना, जिसका अपना कोई भी प्राइस नहीं है, जिसकी अपनी कोई भी वैल्यू नहीं है, विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन एसेट, ठीक है। सो जो गोल्ड का फ्यूचर है वो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करता है, गोल्ड से। गोल्ड मतलब फिजिकल मार्केट में जो गोल्ड खरीदा बेचा जा रहा है वहां से उसका प्राइस डिराइव होता है। कितनी एब्सर्ड सिचुएशन होगी, लेटेस्ट से मैं कहता हूं कि सर गोल्ड रियल मार्केट में, फिजिकल मार्केट में जब मैं खरीदने जाता हूं तो वो मुझे 50,000 रुपए देने पड़ते हैं फॉर 10 ग्राम्स, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर वो चल रहा है 60,000 रुपए का, या वो चल रहा है 80,000 रुपए का, तो आप कहोगे सर इनकी तो आपस में कोई लिंकेज ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव भी उसी के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जो प्राइस गोल्ड का फिजिकल मार्केट में रहता है, ठीक है, लेट अस से गोल्ड का प्राइस फिजिकल मार्केट में इस तरह से मूव हो रहा है, तो डेरिवेटिव मार्केट का जो प्राइस होता है वो उसी के अराउंड चलता है। कभी उसे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, कभी उसे थोड़ा सा नीचे भी चला जाता है, ठीक है। सो डेरिवेटिव्स जो हैं दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइन, तो रियल लाइफ में जो प्राइस चल रहा है वो उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसी के ऊपर नीचे घूमता रहता है, सब्जेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई, ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि अगर रियल लाइफ के अंदर जो गोल्ड का प्राइस ये है और डेरिवेटिव्स कहीं और ही घूम रहे हैं, या फिर तो बहुत ज्यादा नीचे या बहुत ज्यादा ऊपर घूम रहे हैं, तो उनकी कोई असेंस नहीं रह जाएगी, लोगों को उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर शक होगा। Just for that sake, जो सेबी है वो कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का रिव्यू लेकर आई है, ठीक है, कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हम उनको रिव्यू करेंगे ताकि हम एंश्योर कर सकें कि वो ठीक हैं, उनके प्राइसेस ठीक तरह से डिराइव है, कोई स्पेकुलेटिव प्रेशर तो उसके ऊपर नहीं है, और मैनी अदर फीचर्स जो कि हम इसके अंदर ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है, नॉट वेरी मच, बट सिर्फ डेरिवेटिव के अंदर जो प्राइसेस चल रहे हैं वो रियल लाइफ से एक तो कनेक्टेड हों, और उनमें अननेसेसरीली कोई स्पेकुलेशन वगैरह ना चल रही हो, जस्ट फॉर दैट से हम एक रिव्यू करने जा रहे हैं।
पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इज टू प्रोवाइड द क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब रिलायबल थोड़ा होना चाहिए, फ्यूचर प्राइस सिग्नल्स टू द मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक है जी, फ्यूचर प्राइस मतलब जैसे वन मंथ फ्यूचर, टू मंथ फ्यूचर, थ्री मंथ फ्यूचर, तो वो कहता है कि रिलायबल फ्यूचर प्राइस कि गोल्ड का एक महीने बाद क्या प्राइस होगा वो हम आपको अभी प्रोवाइड कर सके। टू द मार्केट पार्टिसिपेंट एंड द इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर हेजिंग। ठीक है जी, और डेरिवेटिव जो है वो हम हेजिंग के लिए यूज करते हैं। हेजिंग इज अ प्रोसेस अंडरटेकन टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है कि रिस्क है कि मुझे लॉस हो सकता है, उस रिस्क को कम करने के लिए हम हेजिंग करते हैं। In order to ensure that the derivative contracts are closely aligned to the physical markets, मैं भी आपको यही बात बता रहा था, it is imperative to have the framework to evaluate the performance of these derivative contracts based upon not merely the statistic regarding the delivery and the trade volumes, लेकिन हम और भी इसमें बहुत सारे factors को consider करना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि इसमें से कितने deliver हो रहे हैं और क्या price चल रहा है, demand कितनी और supply कितनी, वो तो हमें पता ही है, लेकिन considering all the relevant information pertaining to the performance of the derivative contract during the relevant period of time, keeping the above in the view in the consultation with the CDAC, that is Commodity Derivative Advisory Committee, the following has been decided. तो हमने ये सारे पर decide किया, all the stock exchanges shall review the performance of the contracts traded on their exchange in commodity derivatives segment as per the parameters laid down. The said performance review shall be consulted with the PAC, that is the Product Advisory Committee, constituted by the SEBI ने इस circular में constitute की थी, ये call committee. ये सारी information fast forward है जी, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद, memorize और रट्टे मारने वाली नहीं है। सिर्फ concept आपको पता होना चाहिए कि SEBI का एक circular आया, that is review on the कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम उनको रिव्यू करेंगे और ज्यादा डिटेल में उनको पढ़ेंगे। द सेट परफॉर्मेंस रिव्यू अलॉन्ग विद द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन द इवैल्यूएशन इफ एनी शैल बी डिस्क्लोज्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज ऑन देयर वेबसाइट प्रोमिनेंटली। द सेट परफॉर्मेंस रिव्यू शैल बी कंडक्टेड ऑन द एनुअल बेसिस फॉर द ईच फाइनेंशियल ईयर। और ये आपने रिपोर्ट हमें कब तक देनी है, 30 जून, जब वो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो उसके 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक आपने ये हमें इवैल्यूएशन करके देनी है। और इसका कंप्लीट एक अनेक्चर, एक स्पेसिमन हमने दे दिया है। ठीक है, स्पेसिमन में ना बस यही इन्फॉर्मेशन है कि ये जो कमोडिटी है इंडिया में कितनी बनती है, कितनी कंज्यूम होती है, कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट है, तो वो मेरे को अनेक्चर मैंने गो थ्रू किया, मेरे को इतना रेलिवेंट लगा नहीं कि टॉप 10 कंट्रीज जो इस कमोडिटी के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कौन है, इंडिया कितना बनाता है, ये सारी चीज़ें, मतलब उस कमोडिटी को ही और ज़्यादा डेप्थ में उन्होंने स्टडी करके एक रिपोर्ट आपसे मांगी है, एनुअल बेसिस पे 30 जून तक आपको वो देनी रहेगी। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए जी आगे केस लॉज है। फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्किपिंग द केस लॉज, व्हेन एवर सम अमेंडमेंट सर्कुलर विल कम दैट वी विल बी कवरिंग, सो केस लॉज फॉर द टाइम बीइंग वी आर स्किपिंग। सो इसके बाद हम आते हैं जी टू द पेज नंबर 3 के अंदर। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, इसके अंदर सेबी ने डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट की रेगुलेशंस 2020 अमेंडमेंट लेकर आए हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें ना इन्होंने प्लेज का सारा सिस्टम स्पेसिफाई किया है, जो कि रेगुलेशन 79 के अंदर पहले से ही गिवन था कि प्लेज अगर आप अपने शेयर्स को रखना चाहते हैं तो वो आप कैसे रख सकते हैं। लेटर से मेरे पास कोई सिक्योरिटीज पड़ी हैं, लेटर से मेरे पास 5 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं। ठीक है, और आपको याद है फ्यूचर के अंदर जब मैं डील करता हूँ तो वहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको मार्जिन, इनिशियल मार्जिन जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, मार्जिन मनी आपको देनी पड़ती है,
और एक होती है मेंटेनेंस मनी, आपको देनी पड़ती है, ठीक है। जब आपका प्राइस ऊपर नीचे होता है तो आपको मेंटेनेंस के लिए भी और पैसे जमा करवाने पड़ सकते हैं। मार्जिन आपको समझ में आता है, जब मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में अगर आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको एक्चुअल में 5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप 20% भी अगर देते हैं तो वो चलता है, वेरी करता है फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर कि वो आपसे कितनी मार्जिन मनी मांगता है। अब आप कहेंगे सर 5 लाख रुपए का सौदा करना है तो पूरे 5 लाख रुपए क्यों नहीं देने, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिकॉज उसमें आप एक्चुअल में डिलीवरी नहीं लेते, आप उसकी कैश में सेटलमेंट करते हैं और आपको लगता है कि एक महीने में वो 20% से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा इधर डायरेक्शन में, इतना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर जाएगा भी तो 5% 6% 10% चला जाएगा, बट 20% की उसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब प्लीज ध्यान से सुनिए, मेरे पास रिलायंस के शेयर पड़े थे, कितने के? 5 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर पड़े थे। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं F&O के अंदर फ्यूचर में भी एक और, ये जो रिलायंस के शेयर है ये तो स्पॉट ट्रांजैक्शन है, मतलब डिलीवरी ली और मेरे डीमैट के अंदर 5 लाख रुपए के शेयर पड़े हैं। अब मैं 10 लाख रुपए का फ्यूचर के अंदर कोई शेयर खरीदना या बेचना चाहता, कोई भी लाइक जैसे टाटा स्टील्स में 10 लाख रुपए का खरीदना चाहता हूं, मेरे ब्रोकर ने मेरे को कहा कि सर मार्जिन मनी आप दीजिए, मार्जिन मनी आपको देनी पड़ेगी। मैंने कहा कितनी? कहता 20%, 10 लाख रुपए का 20% आप दे दीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये 2 लाख रुपए मैं आपको कैश के अंदर दूंगा, आप ये शेयर्स को ही रख लो, 5 लाख रुपए के शेयर्स पड़े ना मेरे डीमैट में, मैं वही प्लेज कर दे, ठीक है, कि अगर कल वो रुपए मुझे देने पड़े F&O में, शायद मेरे को प्रॉफिट हो जाए, शायद मेरे को लॉस हो तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जब जो देने पड़ेंगे मैं दे दूंगा, अगर नहीं दिए तो आपके पास ये शेयर गिर भी पड़े आप बेच के अपने पैसे रिकवर करवा लेना। तो वो कहता है कि फेयर इनफ, ठीक है, आपसे मैं नया 2 लाख लूं, आपका 5 लाख रुपए का सामान तो मेरे पास पहले से ही पड़ा है ना, ठीक है, तो 5 लाख रुपए के जो शेयर आपके पास मेरे पास पड़े हैं मैं उसको प्लेज कर देता, ठीक है, गिरवी कर देता हूं, उस पर लियन मार्क करवा देता हूं कि अगर कल मैंने आपको रुपए ना दिए तो आप ये शेयर बेच के आप मेरे पैसे रिकवर करवा सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आपको समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? ठीक है, दूसरी बात, प्लेज कैसे करना है उसका प्रोसीजर सेबी ने अपनी रेगुलेशन के अंदर बता रखा है, दैट इज रेगुलेशन नंबर 79 के अंदर, मैं अभी आपको दिखा भी देता, ठीक है। सो डिपॉजिटरीज एंड द पार्टिसिपेंट की जो रेगुलेशंस हैं उसके अंदर इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर बता रखा है रेगुलेशन 79 के अंदर, ठीक है। और सेबी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर प्लेज होगा तो बस इसी प्रोसीजर से होगा और किसी भी तरह से प्लेज नहीं हो सकता। हमने कहा सर लोग और कैसे प्लेज कर रहे थे? पता है कैसे प्लेज करते थे? मैं उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता, शेयर मेरे नाम पर ही है, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता था कि आप कल चाहे तो ये शेयर्स के साथ जैसे चाहे वैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। वो कहता है ऐसे नहीं प्लेज करना, जो प्रोसीजर हमने बताया है रेगुलेशन 79 में वैसे ही प्लेज होंगे, उसके अलावा किसी भी और तरह से प्लेज नहीं होंगे। बट अगर मैं बिल्कुल इस इमीडिएट रेगुलेशन की बात करूं कि इसमें क्या चेंज हुआ, उन्होंने बस इतनी सी बात कही कि प्लेज इंक्लूड्स रीप्लेज, ठीक है। यहां पर उसने बस एक एक्सप्लेनेशन ऐड की है, सेक्शन रेगुलेशन 79 के अंदर 12 सब रेगुलेशंस है, 12 पॉइंट्स है, 12 सब रेगुलेशंस के बाद उन्होंने अमेंडमेंट क्या की है। वो कहते हैं कि प्लेज जब हम बोलते हैं इट शेल इंक्लूड्स रीप्लेज, ठीक है। सो रीप्लेज कहां पे यूज होगा? 5 मिनट के बाद ये पूरी पिक्चर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ी बिट्स एंड पार्ट्स में मैं इधर उधर आपको बता रहा हूं। अब ये एक्सप्लेनेशन आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, रेगुलेशन 79 क्या बताती है कि अगर आपके कोई शेयर्स डीमैट में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पड़े हुए हैं, डिपॉजिटरी के पास पड़े हुए हैं और आप उसे प्लेज करना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है। और उसमें 12 पॉइंट्स, 12 सब रेगुलेशंस के बाद इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड की, वो कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दीज रेगुलेशन प्लेज इंक्लूड्स रीप्लेज ऑफ द सिक्योरिटीज फॉर मार्जिन और द सेटलमेंट ऑब्लिगेशन। मैंने आपको बताया ना कि मार्जिन मनी के लिए या जब उसे सेटल करना होगा तो आप अपने शेयर्स को प्लेज कर देते हैं, ऑफ द क्लाइंट और फॉर सच अदर पर्पस, और किसी और पर्पस के लिए भी आप जब उसको रीप्लेज करेंगे तो प्लेज के अंदर रीप्लेज भी आ जाए। रीप्लेज क्या होता है? जो शेयर्स मैंने प्लेज कर रखे हैं उसको आगे फर्दर रीप्लेज कर देना, ठीक है। मैं आपको एक
अब ये आ ही जाएगा जी 2 मिनट के अंदर। ये अगला पॉइंट यही है जिसमें रिप्लेज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये एक्सप्लेनेशन ऐड ही क्यों की, क्यों इन्होंने ये बात बोली कि प्लेज में रिप्लेज भी इंक्लूड होता है। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। आइए जी, अब वो कहता है कि मार्जिन ऑब्लिगेशन टू बी गिवन बाय वे ऑफ प्लेज और द रिप्लेज इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है, सेबी हैड एक्सटेंसिव consultations with the stock exchanges, clearing corporation, depositories and the industry representatives of the trading members, मतलब brokers, ठीक है? आपको ये सारे लोग पता है ना कौन कौन है, stock exchanges, clearing corporation, depositories और trading members जो हमारे brokers हैं, और clearing members और the depository participants, एक depositories ऊपर आ चुका, अब वो कहते हैं depository participants से भी हमने बात की। To devise a framework that mitigate the risk of misappropriation or the misuse of the client securities available with the trading member, जो brokers के पास पड़े हैं, CM that is the clearing members or the depository participants के पास जो shares पड़े थे, वो उनको misuse करते थे। कैसे misuse करते थे मैं आपको बताता हूँ। मैंने 10 लाख रुपए का ट्रेड किया बट मेरे डीमैट में कितने के शेयर पड़े थे, 5 लाख के। उससे प्लेज कितने पे क्रिएट करना चाहिए था, 2 लाख के ऊपर। अभी भी 3 लाख की सिक्योरिटीज मेरी एक्स्ट्रा स्पेयर पड़ी है। लेट से आप उसके एक और क्लाइंट हैं, ठीक है, आप भी 10 लाख रुपए का सौदा करना चाहते हैं लेकिन आपके पास जो शेयर्स पड़े हैं वो सिर्फ 1 लाख के हैं, ठीक है, तो आप तो 10 लाख का सौदा नहीं कर सकते बिकॉज आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटीज प्लेज करवानी पड़ेगी। बट आपके पास कितने की सिक्योरिटीज है, 1 लाख की। अब ब्रोकर क्या लालच करता है, उसे पता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो मेरे को ब्रोकरेज नहीं मिलेगी। वो कहते हैं सर 20 लाख रुपए का मैं सौदा डाल रहा हूं, हमने कहा प्लेज आ गया, वो कहता हां मेरे पर 4 लाख का प्लेज आ गया, 1 लाख आपका डाल देगा, 3 लाख मेरे डाल देगा, ठीक है, क्योंकि उसे तो 20% दिखाने पड़ेंगे जबकि आपके कितने थे, सिर्फ 1 लाख, और मेरे पास सरप्लस शेयर थे उसने मेरे ही प्लेज में दिखा दिए, और मैंने भी प्लेज प्रॉपर प्रोसीजर से पहले नहीं किया था, मैंने कैसे पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दे रखी थी, ठीक है, इन दैट केस उसको मिसयूज कर रहा, ठीक है, एक के कम थे एक के ज्यादा थे, वो दोनों को एडजस्ट करके अपनी लमसम ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा था किसी भी तरह से। सो वो कहता है कि जी मिस एप्रोप्रिएशन और द मिसयूज आप करते थे क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज जो कि पड़ी थी किसके पास, ब्रोकर के पास, क्लियरिंग मेंबर के पास या फिर डीपी के पास। द मिस एप्रोप्रिएशन और द मिसयूज वुड इंक्लूड द यूज ऑफ वन क्लाइंट सिक्योरिटीज टू मीट द एक्सपोजर ऑफ अनदर क्लाइंट। ठीक है, आपकी रिस्क के एक्सपोजर के लिए उसने मेरी सिक्योरिटीज फर्दर आगे गिरवी रखवा दी। द मैटर वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, और इन्होंने क्या कहा कि 1 जून 2020 से, ठीक है जी, आपकी अमेंडमेंट्स कहां तक आएंगी, 1 जुलाई तक की, पेपर से 6 महीने पहले तक की। तो वो कहता है कि जी 1 जून को टीएम और सीएम शेल इंटर आलिया एक्सेप्ट the collaterals from the clients in the form of securities only by way of margin pledge. और वो कैसे pledge create होगा, तो वो कहते हैं कि जी वो हमने आपको section 12 of the depositories act read with regulation 79, मैंने अभी आपको बताया ऊपर regulation 79 हमें बताता है how to create pledge, ठीक है, of the SEBI's की depository and the participant regulations 2018 and the relevant bylaws के हिसाब से आपको करना पड़ेगा section 12 read with the regulation 79। एग्जाम्पल बस इतनी सी थी कि आप 10 लाख रुपए का सौदा क्रिएट करते थे तो आपको 2 लाख रुपए की सिक्योरिटीज प्लेज करवानी चाहिए थी बट आपके पास सिर्फ थी 1 लाख की, और मैं भी 10 लाख रुपए का सौदा कर रहा था, मैं दूसरा क्लाइंट, ठीक है, यू आर क्लाइंट नंबर 1, आई एम द क्लाइंट नंबर 2, और मैं 10 लाख रुपए का सौदा करना चाहता था तो मुझे सिक्योरिटी जो प्लेज करवानी थी वो 2 लाख की करवानी थी बट मेरे पास सिक्योरिटी थी 5 लाख की, तो वो मेरी सिक्योरिटीज आपके लिए प्लेज कर, ठीक है, तो इसको हमने बोला मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द मिसयूज, जिसमें आप एक क्लाइंट की सिक्योरिटीज को किसी और के एक्सपोजर मार्जिन सेटलमेंट के लिए एक्सपोज कर रहे थे, यूज कर रहे थे। सो वो कहते हैं कि जी जब इनको पढ़ते हैं इट क्लियरली एनुमरेट द मैनर, तो वो कहते हैं कि ये दोनों सेक्शन 12 और रेगुलेशन 79 हमें क्या बताते हैं, एनुमरेट द मैनर ऑफ क्रिएटिंग द प्लेज ऑफ द डीमैट सिक्योरिटीज, any procedure followed other than this. मैंने आपको क्या बोला, बस regulation 79 में जैसे pledge बताया सिर्फ वही pledge है जी, उसके अलावा any procedure other than the specified aforesaid provision for creating the pledge is prohibited, नहीं कर सकते। It is clarified that off market transfer is the change in the ownership, और ये कभी भी pledge के तौर पे consider नहीं की जाएंगी।
transfer of the securities to the demat account of the TM or the CM for the margin purpose prohibited. पहले क्या होता था, एक और प्रैक्टिस बता रहे, मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी वाला बताया. दूसरा क्या होता था कि मैं अपने शेयर ब्रोकर के नाम कर देता था, ठीक है. वो कहता था कि मेरे डीमैट में ट्रांसफर कर, ठीक है, और मैं एडजस्ट करके बाकी आपको वापस कर दूंगा. तो कहता है ये भी प्रोहिबिटेड है. फिर से बोलो, ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज टू द डीमैट अकाउंट ऑफ द टीएम और द सीएम एज अ मार्जिन पर्पस. उसे इनिशियल मार्जिन में कैश ना देकर मैंने उसके डीमैट में अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, कहता है शैल बी प्रोहिबिटेड, नहीं कर सकते. इन केस अ क्लाइंट हैज गिवन द पावर ऑफ अटॉर्नी एंड सच होल्डिंग ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज द कलेक्शन ऑफ द मार्जिन. और इसको भी हमने दोनों तरह से मना कर दिया, ना आप शेयर मेरे नाम करेंगे ना सिक्योरिटीज मेरे नाम करेंगे, और सेकंड पावर ऑफ अटॉर्नी भी एंटरटेन नहीं की जाएगी. डिपॉजिटरीज को एक अलग से मार्जिन प्लेज फॉर क्रिएटिंग द सिक्योरिटी, सेपरेट प्लेज टाइप, जिसको हमने क्या बोला मार्जिन प्लेज, अगर आप करना चाहते हैं फॉर प्लेजिंग द सिक्योरिटीज. अगर आप कैश दें वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप सिक्योरिटीज देंगे तो उसे मार्जिन प्लेज के नाम से आपको एक अलग खाता खोलना पड़ेगा, आपको एक अलग डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा फॉर एक्सेप्टिंग द मार्जिन प्लेज, और वो उसका नाम रखेंगे क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट, और उसमें आप वो सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर दीजिए. अब देखिए क्या यहां पे अब वर्ड आने वाले है रीप्लेज. अब मैंने अपने शेयर किसको दिए, अपने ब्रोकर को, ब्रोकर ने आगे दे दिया जी वो सीएम को, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर आगे वो सौदा, मैंने ब्रोकर को कहा कि सर आप ये सौदा डाल दीजिए, उसने आगे क्लियरिंग मेंबर को बोला, क्लियरिंग मेंबर ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को बोला. तो ब्रोकर ने मेरे वाले शेयर, मैंने अपने ब्रोकर शेयर किसको दिए, ब्रोकर के, जो ये स्पेशल अकाउंट हमने खोला था. देखिए ब्रोकर ने एक स्पेशल अकाउंट खोला क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट, और उसने वो शेयर आगे रीप्लेज कर दिए विद द सीएम, सीएम ने दोबारा से रीप्लेज कर दिए टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. वही शेयर मैंने ब्रोकर को गिरवी रखवाए, ब्रोकर जब आगे सौदा डालने गया तो उसने फर्दर वही शेयर सीएम को गिरवी रखवाए, और सीएम ने वही शेयर सीसी को गिरवी रखवाए. इसीलिए उसने ऊपर एक्सप्लेनेशन में कहा प्लेज इंक्लूड्स रीप्लेज. जो शेयर ऑलरेडी गिरवी है उनको दोबारा से आगे गिरवी रखवा रहे हैं ना, उसको हम रीप्लेज कहते हैं, और प्लेज इंक्लूड्स रीप्लेज. और सच रीप्लेज शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द डीमैट अकाउंट. और जब जब आप उसे रीप्लेज करते रहेंगे वो सारा उस डीमैट अकाउंट के अंदर अपडेट होता रहेगा कि ये शेयर अब फर्दर टीएम ने सीएम को रखवा दिए, सीएम ने सीसी को रखवा दिए. सबको सेपरेट अकाउंट खोलने पड़ेंगे, ये सेम बात बोल रहा है, ठीक है. सो शेल रीप्लेज द सीएम, सीएम को अब इसके अंदर, तो मैंने टीएम के अकाउंट में डाले थे, टीएम ने वो शेयर आगे सीएम के अकाउंट के अंदर डाल दिए ओनली फ्रॉम द टीएम, और इसके अंदर शेयर और कहीं से नहीं आ सकते, सिर्फ टीएम के ही उस अकाउंट से ट्रांसफर किए जाएंगे. और सीएम उसको आगे क्या करेगा, सीसी के अकाउंट में डाल देगा, दैट इज द क्लाइंट मनी. नाम सबका सेम है, सबने एक खाता खोल दिया, मैंने टीएम के अकाउंट में ट्रांसफर किया, टीएम ने आगे सीएम ने, सीएम ने आगे सीसी. इन दिस कॉन्टेक्ट रीप्लेज वुड मींस एंडोर्समेंट ऑफ द प्लेज. एंडोर्समेंट मतलब जो शेयर गिर भी थे उन्हीं को आगे एंडोर्स कर देना, आगे पास ऑन कर देना इन द फेवर ऑफ सीएम और द सीसी एज अ प्रोसीजर लेटर. और वो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा पॉइंट उसने बोला, कहते हैं टीएम और सीएम शैल इंश्योर दैट कि वो रीप्लेज जो है शैल बी अवेलेबल टू गिव द एक्सपोजर लिमिट टू दैट क्लाइंट ओनली, ठीक है जी, वो आप किसी और क्लाइंट के लिए यूज नहीं करेंगे. और अगर कल डिस्प्यूट हो जाता है किस में, क्लाइंट के बीच में, टीएम ब्रोकर के बीच में, सीएम के बीच में, प्लेज रीप्लेज या इन्वोकेशन या रिलीज को लेकर, तो वो आर्बिट्रेशन से खुद सेटल करेंगे. इसमें सीसी और डिपॉजिटरी का कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर बैठे ग्राउंड लेवल पे, आप सारा क्या काम कर रहे हैं, वो कहते हैं वो आपस में आपका अगर झगड़ा हो गया तो वो आपने खुद ही करना है. सीसी एंड डिपॉजिटरी शैल नेवर बी लायबल, वो कभी भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने. Securities that are not approved list of the CC may be pledged in the favor of CM. ये point cross कर रहे हैं. 11 भी cross कर रहे हैं. Funded stock वाला भी same है. Point number 12 में उसने क्या कहा? वो कहता है कि जी आपके अभी जितने भी existing DMAT account चल रहे हैं, clients, margin या collateral को नाम लेकर, वो सब आपको 30 जून तक बंद करने रहेंगे, क्योंकि हमने आपको टाइम दिए. और फिर वो कहते हैं कि रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑल, और आपके सारे अपने
जो क्लाइंट्स हैं उनके डीमैट अकाउंट्स में ट्रांसफर करके उसके बाद आप उसे करेंगे ट्रांसफर इन द न्यू सिस्टम. फाइन. क्लाइंट्स हैविंग द अरेंजमेंट विद द कस्टोडियंस शैल, ये भी क्लॉज कर रहे हैं. आई विल बी शेयरिंग दिस फाइल जिसमें वट एवर आई एम मार्किंग ना, ये PDF बनाकर मैं आपके WhatsApp के ऊपर शेयर कर लूंगा. द ऑपरेशनल मैकेनिज्म फॉर द मार्जिन प्लेज इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. और ये कैसे आपने सारा करना है, नेक्चर ए और नेक्चर बी में हमने आपको बताया है, टोटली इररिलेवेंट. सर्कुलर इज एप्लीकेबल, ये कर लेते हैं. सर्कुलर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सिक्योरिटीज इन द डीमैट विच आर गिवन एज अ कलेक्टरल ऑफ द मार्जिन टू द TM, CM और द CC बाय वे ऑफ प्लेज और द रीप्लेज. तो बड़ी ऑब्वियस ही बात थी. चलें इसको जी एक्सटेंड कर दिया इन्होंने. आपको पता ही है 1 जून को तो फिर कोविड हमारा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और सारा देश बंद था, तो हमने कहा कि ये तो फिर अब क्लियरिंग और इतना कुछ काम हम नहीं कर पाएंगे. तो उन्होंने इसको एक्सटेंड करके अगस्त में कर दिया, 31 अगस्त तक कर दिया कि 1 जून की बजाय. ठीक है. सो वो कहते हैं कि जी वैसे हमने वो सर्कुलर वर टू कम पहले हमने बोला था कि 1 जून को लेकर आएंगे, फिर हमने जून जुलाई अगस्त 3 महीने से इसको एक्सटेंड कर दिया. लेकिन उन्होंने, और ये कब आई नोटिफिकेशन, 25 मई को आई. ठीक है. 25 मई के बाद 1 जून को 6 दिन रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो काम हुआ ही नहीं हमारा, तो उन्होंने कहा कि जी हम इसकी एक्सटेंशन दे रहे हैं. तो एक और सर्कुलर से भी नहीं इशू किया, और उन्होंने कहा कि जो पुराना सर्कुलर था जो हमने कहा था कि 1 जून से लेकर आएंगे, अब वो 31 जुलाई तक अगस्त तक आपको करना है. लेकिन उन्होंने कहा हाउएवर जो पावर ऑफ अटॉर्नी वाली चीजें थी ना, वो 1 जून से ही अप्लाई होंगी. बाद में इसकी भी एक्सटेंशन अलग से आ गई. तो 25 जुलाई के बाद 29 मई को इन्होंने कहा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी वाली प्रोविजन थी, अब वो भी 1 जून से जिसने आना था, अब वो भी 1 अगस्त से ही आएगी. ठीक है. तो पहले इन्होंने कहा सारी प्रोविजंस बस पावर ऑफ अटॉर्नी को छोड़ के, पावर ऑफ अटॉर्नी 1 जून से ही आपको खत्म करनी पड़ेगी, बाकी सबके लिए हम आपका टाइम एक्सटेंड करें 31 अगस्त. अब इन्होंने कहा कि जी 4 दिन के बाद इन्होंने कहा नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी वाला काम भी इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकता, उसके लिए भी 31 अगस्त ही करती. तो इनको 2 सर्कुलर्स लेकर आने. फाइन. बट क्रक्स दोनों का सीन है जी, अब सारा ये जो सर्कुलर था वो 31 अगस्त से अप्लाई होगा. चलिए फिर आगे केस लॉज है. सो ये जो डिपॉजिटरीज वाला एक्ट था ये हमारा खत्म हो गया. मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ. सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन हमने ऐड की जिसमें हमने कहा कि प्लेज इंक्लूड्स रीप्लेज. रीप्लेज का मतलब मैं आपको समझ में आ गया ना, जब TM ने आगे रीप्लेज करनी होती है सेम सिक्योरिटीज. और अब हमने फिर क्या कहा कि जी जैसे हमने बोला बस वैसे ही सेक्शन 12 रेड विद रेगुलेशन 79 वैसे ही प्लेज हो सकता है, और किसी भी तरह से प्लेज नहीं हो सकता. अगर आपने उसके डीमैट में ट्रांसफर कर दिया वो भी प्रोहिबिटेड है, पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया उसको भी हम प्लेज कंसीडर नहीं करके. जैसे हमने बोला बस आपको वैसे ही प्लेज करना है, किसी भी और तरह से आप प्लेज नहीं कर सकते. और मिस अप्रोप्रिएशन हो रही थी, एक क्लाइंट की सिक्योरिटीज दूसरे के लिए यूज हो रही थी. अब हमने क्या कहा, इनको एक अलग से खाता खोलना पड़ेगा, क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट TM के साथ. TM आगे देगा CM को, CM देगा CC को. और अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो क्लाइंट TM CM और DP अपने आप सेटल करेंगे. इसके अंदर कभी भी डिपॉजिटरी और CC का कुछ भी लेना देना नहीं होगा. और ये कब से लगनी थी, 1 जून से. एक और सर्कुलर आया जिसने कहा 1 जून के बजाय ड्यू टू द पेंडेमिक हम इसे एक्सटेंड करने 31 अगस्त तक. फाइन. ठीक है, बहुत प्लेन एंड सिंपल हमने कर लिया जी. चलिए जी आगे चलते हैं. यस, नेक्स्ट वी हैव इज द चैप्टर नंबर 4 ICDR के अंदर 7th अमेंडमेंट रेगुलेशंस आई हैं. पूरी की पूरी रेगुलेशंस के अंदर ICDR में देखिए कितने चेंजेस इन्होंने किए. सब में सिर्फ एक ही चेंज, ठीक है, रजिस्टरिंग द ऑफर लेटर और प्रोस्पेक्टस. जहां पे वर्ड था रजिस्टरिंग उन्होंने कहा रजिस्टरिंग नहीं, फाइलिंग. ठीक है, हर जगह जो चेंज आप करेंगे, ठीक है, और वो कहते हैं रजिस्टरिंग ओमिट कर दिया गया, रजिस्टर्ड जहां पर भी उसकी जगह फाइल्ड कर दिया गया, जहां पे वर्ड रजिस्ट्रेशन है उसको फाइलिंग कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन फाइल. हर जगह ICDR में जहां पे भी वर्ड था रजिस्टर्ड इन्होंने उसकी जगह कर दिया फाइलिंग. ठीक है, एक तरह से जो भी काम हमने आपको करने को कहा था कि इस डेट से पहले पहले हो जाना चाहिए वो हमने प्रीपॉन्ड कर दिया. प्रीपॉन्ड कैसे किया, पहले मैं फाइल करता हूँ उसके बाद वो रजिस्टर. तो पहले जिस दिन डेट ऑफ फाइलिंग होता था अगर उस दिन आपके सारे काम पूरे नहीं भी हुए थे, ठीक है,
तो आप कहते हैं सर कोई बात नहीं, अभी कौन सा रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है अभी आप 2-4-10 दिन लगाओगे रजिस्ट्रिंग के अंदर, हम तब तक पूरा कर देंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डेट ऑफ फाइलिंग तक ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी पूरी होनी चाहिए, सारी की सारी, ठीक है। सो हर जगह जहां पे भी वर्ड रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रिंग था, ठीक है, उसकी जगह इन्होंने फाइल्ड, फाइलिंग कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल है, अलग अलग रेगुलेशंस, ये इतनी सारी नहीं मैं आपको खोल के दिखा सकता, ठीक है। सो जहां पर भी था, अब आपने सब कॉन्शियसली ICDR के अंदर कि डेट ऑफ फाइलिंग से पहले ये काम होना चाहिए, जो भी हमने आपको प्रोविजंस के अंदर काम करने को कहा था वो सारे काम आपके डेट ऑफ फाइलिंग से पहले होने चाहिए, रजिस्ट्रिंग वर्ड, ठीक है, हमने कहीं पर छोड़ा ही नहीं इन द ICDR रेगुलेशंस। चलेंगे आगे, तो एक मेजर चेंज जो ICDR का आया, दैट इज रजिस्ट्रिंग की जगह द वर्ड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद फाइलिंग। चलिए जी, दिस इज अ वंडरफुल अमेंडमेंट जी, मेरे को सभी अमेंडमेंट्स में से ये सबसे अच्छी लगी, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ राइट इश्यू। इनकम टैक्स को टच करें बीच में, राइट इश्यू क्या, राइट शेयर्स नहीं कहना, ठीक है, मेरे को राइट मिला है कि मैं इस कंपनी का 1000 वाला शेयर 500 में ले सकता हूं बिकॉज मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, ये बात तो सारी क्लियर है। मैंने ये राइट आगे दे दिया, किसी को बेच दिया 100 रुपए में, 200 रुपए में या फ्री में, ठीक है, क्या इसमें कैपिटल गेन लगता है, क्या ये कैपिटल एसेट है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो बाद में हम डील करेंगे, क्या ये कैपिटल एसेट है? शेयर नहीं ट्रांसफर किया, शेयर किया होता फिर तो ये कैपिटल गेन है। राइट था मेरे पास कि मैं इस कंपनी का शेयर 1000 वाला 500 में ले सकता हूं, मैंने वो राइट खुद नहीं एक्सरसाइज किया बल्कि उसको आगे रिनाउंस कर दिया, ठीक है। तो क्या ये कैपिटल एसेट है? उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है कि नहीं लगता? As per the one student, कि सर कैपिटल गेन लगता है और शॉर्ट टर्म लगता है, that's what you are saying. How many of you say कि सर ये कैपिटल एसेट नहीं है? How many of you say कि ये कैपिटल एसेट है? Okay, so majority of the students are saying कि कैपिटल एसेट है, ठीक है, and the majority is correct. ठीक है, it is a capital asset और उसके अंदर और cost of acquisition क्या होती है? हमेशा zero. ठीक है, क्योंकि आपने दिया तो उसके लिए कुछ भी नहीं और जो भी पैसे आपको मिले, और ये जनरली शॉर्ट टर्म ही होगा, ठीक है, फाइन, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये राइट वेस्ट किया जाता है, आप जब उसे ट्रांसफर कर देते हैं तो उसका जो टेन्योर है वो 36 महीने से ज्यादा का नहीं होगा, प्लीज ध्यान से सुनना। इन्होंने एक नई चीज लेकर आए जी, राइट एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास आई एम एंटाइटल्ड फॉर दैट राइट, मेरे पास एक राइट है, अभी शेयर्स नहीं लिए मैंने, मेरे पास एक राइट है, ठीक है। वो कहते हैं कि आप ये राइट ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दो, ठीक है, अगर ये रिनाउंसेबल है, ठीक है, ट्रांसफरेबल है, मैं किसी को भी बेच सकता हूं, ठीक है, तो मेरे को बेचने में कितनी इनकन्वीनियंस थी, हाँ, मैं कॉल करता था कि भाई ले लो, कितने के लोगे, क्या और सेल कितने की, सप्लाई कितने की, डिमांड कितने की, ऑफर कितने की है, सप्लाई कितने पे, मैं कितने पे दूंगा। वो कहता आप ये राइट को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट शेयर्स की बात नहीं कर रहे, उस दिन तो ये राइट खत्म ही हो जाएगा जब वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, उस राइट को अगर वो रिनाउंसेबल है आप उसे लिस्ट करवा दो, ठीक है, मैं स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दूंगा, यस और नो? मेरे पास किसी कंपनी के, लेट से लिस्टेड कंपनी के 50 करोड़ शेयर्स थे, ठीक है, अब मेरे पास राइट्स भी कितने आए होंगे, लेट से 2 के बदले 1 शेयर उन्होंने दिया है तो 25 करोड़ राइट्स आते, अब मैंने वो लेना नहीं, बट 25 करोड़ राइट्स को बेचने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, अब 25 करोड़ इकट्ठे तो बिकेंगे नहीं, ठीक है, सेबी कहता लिस्ट करवा लो स्टॉक एक्सचेंज में, आप ये राइट्स बेच दो, मैं कहता हूं बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है, ये शेयर्स नहीं है, उन्होंने कहा कि ये जो आपका राइट है टू अप्लाई, लेट अस से उसमें से 5 करोड़ मैं खुद खरीदना चाहता हूं बट 20 करोड़ मैं बेचना चाहता हूं,
उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मेरे को 25 करोड़ राइट्स मिले थे जिसमें से मैंने सोचा मैं 5 करोड़ तो ले लूंगा, एक्साइज कर लूंगा, बट बाकी 20 करोड़ मैं आगे मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ जाकर बेचूं? सेबी कहता है कि जी आप स्टॉक एक्सचेंज पे आइए, इसको लिस्ट करवा दिया, आप इसे बेचें। ठीक है, सो इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, वंडरफुल कॉन्सेप्ट, और बड़ी अच्छी सोच उन्होंने रखी। ठीक है, कि राइट भी तो मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है, इस राइट को ही लिस्ट करवा देते हैं। ठीक है, बट ये सिक्योरिटी नहीं है, ये शेयर नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी। सो आइए जी पढ़ते हैं। The SEBI has simplified the right issue process to make it more efficient and effective by amending the SEBI ki ICDR regulations and the SEBI ki LODR regulations. Accordingly, following changes humne kiye with respect of right issue process. In the period for the advance notice, aur wo kehta jo advance notice humne dena hota tha stock exchanges ko, wahan par 7 din pehle dena rehta tha, usko kam karke inhone kya kaha ki 3 din pehle bhi stock exchange ko batayenge to chalega, excluding the date of information, matlab 3 clear days hone chahiye, theek hai, aur date of intimation jis din bataya wo din nahi count hoga, aur jo record date hai wo bhi count nahi karna, 3 din beech mein proper hone chahiye aur wo bhi working days. ठीक है, उसमें सैटरडे संडे वगैरह नहीं चलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ राइट इशू। अभी गुड, तो एक अमेंडमेंट तो आपको पता लगी कि स्टॉक एक्सचेंज को जो पहले 7 दिन पहले बताना रहता था, अब उन्होंने कहा कि 3 क्लियर डेज होने चाहिए। क्लियर डेज जब मैं बोलता हूँ समझ में आता है, जिस दिन बताया वो भी नहीं आएगा और जो रिकॉर्ड डेट है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर वो कहते हैं न्यूज पेपर में, इश्यूएंस ऑफ द न्यूज पेपर में भी अब आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डिस्पैच एंड द इंटीमेशन ऑफ द स्टेक सेम टू द स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर द डिसेमिनेशन। और स्टॉक एक्सचेंज को क्यों बताते हैं? ताकि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर आगे पब्लिक को ये बात डिसेमिनेट, मतलब आगे फर्दर अनाउंस कर सकें एज पर द रेगुलेशन 84 ऑफ द ICDR। और ये आपको कम से कम 2 दिन पहले बताना होगा फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ योर राइट इश्यू। यहां तक ओके। अब वो कहते हैं कि जी ये नया कॉन्सेप्ट हम लेकर आए। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द डीमटीरियलाइज्ड राइट्स एंटाइटलमेंट। ठीक है, राइट एंटाइटलमेंट है, ये राइट शेयर्स नहीं है। In the letter of offer and the abridged letter of offer, the issuer shall disclose the process of the credit of the right entitlements in the demat account. तो ये क्या होगा? मेरे अकाउंट में जहाँ पे 50 करोड़ शेयर्स पड़े थे, let us say Reliance के, और उन्होंने 2 के पीछे 1 राइट अगर दिया है, तो मेरे डीमैट अकाउंट के अंदर 25 करोड़ राइट एंटाइटलमेंट्स RE आ जाएंगे। उनको मैं खुद भी एक्साइज कर सकता हूँ, उनको मैं मार्केट में भी बेच सकता हूँ, और वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होंगे, मैं वहां पर जाकर जैसे शेयर्स बेच रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बेचूंगा। ठीक है, और T+2 सेटलमेंट, ठीक है, जिस दिन ट्रेड हुआ 2 दिनों के अंदर अंदर वो सेटल हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे और वो मेरे अकाउंट से चले जाएंगे। बट इनकी लाइफ छोटी होगी, शेयर्स तो आर फॉर एवर जब तक कंपनी नहीं होती, बट ये आपको पता ही है कि जिस दिन क्लोज हो रही होगी ऑफर उस दिन तक ये वैलिड है। ठीक है, बट इनकी लाइफ कम होगी। तो कहते हैं RE shall be credited to the DMAT account of the eligible shareholder in the DMAT form. In the RE process, the REs with a separate ISIN, ठीक है जी, इनका proper, ठीक है, ISIN, that is International Security Identification Number, जो हर एक शेयर का अलग रहता है, तो वो कहता है RE को भी हम proper Security Identification Number अलग से देंगे, shall be credited with to the DMAT account of the shareholder before the date of opening of issue against the shares, or record date पे आपके पास जितने shares से उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो बड़े सिंपल सी बात ही, बस एक ही नया पॉइंट आया कि इनके लिए भी अलग से ISIN इशू किया जाएगा। फिजिकल शेयर होल्डर्स का क्या? फिजिकल शेयर होल्डर को हमने कहा कि सर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो कहते हैं फिजिकल शेयर होल्डर्स को अपनी डीमैट अकाउंट खुलवाकर उसकी डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी ताकि हम उनके डीमैट अकाउंट के अंदर आरई दे सके। और कब तक देना है उनको? कहते हैं कि जी क्लोजिंग डेट से कम 2 दिन पहले, क्लोजिंग डेट से 2 दिन पहले, एंड तो ताकि हम उनके अकाउंट के अंदर आरई को क्रेडिट कर सके कम से कम 1 दिन पहले। ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं सारे खुद नहीं यूज करना चाहता, मैं आगे बेचना चाहता हूं, तो वो कहते हैं सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्सचेंजेस के जोन से भी, और मैं T+2 रूलिंग सेटलमेंट के हिसाब से जैसे कि इक्विटी शेयर्स का होता है बिल्कुल वैसे ही ये आरई भी खरीदे बेचे जाएंगे। ट्रेडिंग इन द आरई ऑन द सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस शेल कमेंस अलॉन्ग विद द ओपनिंग। और इसमें ट्रेडिंग कब शुरू होगी? जिस दिन इशू शुरू हुआ, ठीक है, उस दिन ये शुरू हो जाएगी और 4 दिन पहले बंद हो जाएगी। ठीक है,
जिस दिन इशू ओपन हुआ उस दिन इनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, बट ट्रेडिंग हमने थोड़ा जल्दी बंद कर दी, ठीक है। आखिरी दिन तक ट्रेड ही हो जा रहा है, फिर मैं एक्सरसाइज कब करूंगा? तो उन्होंने कहा कि जी जिस दिन भी, जब आपका क्लोजर उससे चार दिन पहले, उससे चार दिन पहले ये शेल बी क्लोज एटलीस्ट फोर डेज प्रायर टू द क्लोजर ऑफ द राइट इशू। राइट इशू जिस दिन बंद होना है उसके चार दिन पहले इसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ट्रेडिंग चार दिन पहले बंद हो जाएगी। इन्वेस्टर्स होल्डिंग द आदि इन द डीमैट फॉर्म शेल बी एबल टू रिनाउंस देयर एंटाइटलमेंट। आप स्टॉक एक्सचेंज पे भी बेच सकते हैं, ऑफ मार्केट भी दे सकते हैं, ठीक है। ऑफ मार्केट कैसे देते हैं? DIS याद है आपको, ठीक है, जो चेकबुक मैं आपको बताता हूँ, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन लेके मेरे डीमैट से इस डीमैट में इतने शेयर दे दिए जाएं, तो आप डीमैट के अंदर DIS से ऑफ मार्केट भी बेच सकते हैं, ठीक है। लेटर से स्टॉक एक्सचेंज पे रेट चल रहा था 100 रुपए का, ठीक है, कि अगर आप अपना राइट एंटाइटलमेंट किसी को देना चाहते हो तो 100 रुपए का। मेरे को कोई पर्सन मिल गया जिसको इस बात की अवेयर ही नहीं थी, तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास रिलायंस का शेयर 1000 वाला 500 में खरीदने का राइट है, ठीक है। तो वो कहते तो बड़ा ही अच्छा, मैंने कहा आप ले लो, तो वो कहते कितने में, मैं कहा 250 रुपए में, उसे पता ही नहीं मार्केट में 100 रुपए का चल रहा है। वो कहता ठीक है, बड़ी अच्छी डील है, विन विन, मेरे को भी 250 का फायदा, आपको भी 250 का फायदा। उसने मेरे को 250 के हिसाब से चेक काट दिया, मैंने उसको DIS काट के दे दिया कि मेरे डीमैट से इनके डीमैट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसको बोलते हैं ऑफ मार्केट, मैंने मार्केट में नहीं बेचा, मैंने DIS, और DIS के अंदर मेरे को पता होता है बायर कौन है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में मेरे को नहीं पता होता कि बायर कौन है, ठीक है। सो आप उसे ऑफ मार्केट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और सच ट्रेड्स विल बी सेटल्ड बाय ट्रांसफरिंग द डीमटेरियलाइज्ड आरई थ्रू द डिपॉजिटरी मैकेनिज्म। जैसे बाकी सब सिक्योरिटीज को सेटल किया जाता है, तो वैसे ही इनको भी सेटल किया जाएगा। पेमेंट मोड एज वेल, याद है आपको जैसे शेयर्स में IPO में हम अप्लाई करते हैं, एज वेल बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी रहा जाएगा। No withdrawal of the application shall be permitted after the issue of closing date के बाद, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये क्लोज कर रहे हैं जी। Next is general information document, not so relevant, मैं brief करूंगा, that is more than sufficient, ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपसे ना दो तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द कंपनीज, जो भी शेयर स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवा चुकी हैं या करवाना चाहते हैं, उनसे हम जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन का जो हमारा स्पेसिमन था, ठीक है, वो थोड़ा पुराना और आउटडेटेड हो गया था, उसको हमने अपडेट किया है, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट के अंदर हमने GID का नया फॉर्मेट लेकर आए हैं, ठीक है, उसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए। That is very simple and plain. इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। सो कहते हैं कि जी SEBI की ICDR रेगुलेशन के अंदर हम आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं विच इज जेनरिक इन द नेचर, नॉट स्पेसिफिक टू द इश्यूअर, टू बी ब्रॉट आउट ऑफ द GID, ठीक है। तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्मेट था वो हमने उसके अंदर जो चेंजेस नेसेसिटेटेड थे वो उसके अंदर किए हैं, नॉट अ बिग डील, फाइन, वी आर मूविंग अहेड। ICDR amendments regulation 2020 जो कि जून 16 की है, ठीक है, इसमें उन्होंने कहा कि जो वर्ड है दैट इज 6 months इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द 2 weeks। क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट अगर आप करते हैं, ठीक है, पहले इसके अंदर बैन था कि अगर आपने एक बारी की तो प्लीज अपना मन बनाकर अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप अगले 6 महीने में दोबारा से नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। इस पीरियड को हमने कम कहा करके 2 वीक्स कर दिया। तो अगर आज मैंने QIP के अंदर 10 करोड़ शेयर्स किसी को इशू किए हैं, तो 2 हफ्ते के बाद मैं दोबारा से भी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले जो बैन था, रिस्ट्रिक्शन थी, दैट वॉज ऑफ 6 मंथ्स, दैट हैव बीन रिड्यूस्ड टू 2 मंथ्स, ठीक है। SR पास करना पड़ता है जी इसके लिए। तो वो कहते हैं कि अमेंडमेंट क्या है, 6 मंथ्स की जगह 2 वीक्स किया गया, और वो कहते हैं कि जी हुआ क्या, पूरा पैराग्राफ अगर हम आपको पढ़ाएं तो रेगुलेशन 172 सब रेगुलेशन 3 कहती है द इश्यूअर शैल नॉट मेक एनी सबसीक्वेंट QIP अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स की जगह क्या हो गया 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायर QIP मेड पर्सुएंट टू वन और मोर स्पेशल रेजोल्यूशंस, क्लियर, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन को हमने थोड़ा सा कम किया जी। चलिए आगे आते हैं।
सुनिएगा जी। रेगुलेशन 164 मैं अभी आपको अगर ओपन करके दिखाऊं आईसीडीआर की, तो इट इज अबाउट द प्राइसिंग, इट इज अबाउट द प्राइसिंग कि आपने अपने सिक्योरिटीज को कैसे प्राइस करना है। और उसमें ऐसा रहता है कि नॉट बिलो द फॉलोइंग, जिसमें हम आपको कहते हैं 6 months, 2 weeks, विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा कम का नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है आपको? ठीक। अब हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, थोड़ा मेरे साथ रहना जी। यहां पर एक कंपनी है जिसके अंदर स्ट्रेस्ड एसेट्स है। स्ट्रेस्ड एसेट्स मतलब अगर मैं आपको एक तरह से बताऊं, ये सिख कंपनी है जी, ठीक है, जिसकी नेटवर्थ थोड़ी नेगेटिव जा रही है, जो कि डाउनफॉल की तरफ है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इनका शेयर का प्राइस भी लेट अस से 6 महीने पहले था जी 100 का, आज ये शेयर का प्राइस है गया जी 40 का। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि जी 6 months का एवरेज ले लीजिए या 2 weeks का एवरेज ले लीजिए। ठीक है, अब 6 months का जो एवरेज है लेट अस से वो आता है 70 rupees और 2 weeks का जो एवरेज है वो आता है 42 rupees। ठीक है, तो आपने कहा कि जी आप 70 से कम तो इशू कर ही नहीं सकते। हमने कहा सर 70 में तो ये बिकने से रहा। ठीक है, ये कंपनी तो अब लॉस मेकिंग कंपनी है, डाउनफॉल जा रहा है, ये अब 70 में तो इसका शेयर कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए एक अलग से प्रोविजन लिख रहा है, दैट इज 164A इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट द कंपनीज हैविंग द स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, बट अगर स्ट्रेस्ड एसेट का केस है तो वहां पर सेक्शन 164 नहीं लगेगा बल्कि 164A लगेगा। पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ द फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड पर्सुएंट टू द प्रेफरेंशियल इश्यू शैल नॉट बी लेस देन एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर्स कोटेड ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ 2 weeks। इन्होंने 6 months नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 weeks वाला। ठीक है, तो वो अगर 40 और 44 चल रहा था तो मैं 42 रुपीस के ऊपर भी उसको प्रेफरेंशियल इशू दे सकता। ठीक है, बट 70 अगर आप कहते थे 70 में तो किसी ने लेना नहीं, क्योंकि ये कंपनी अब डूबता जहाज है, इसके अंदर कोई भी टिकट नहीं लेना चाहेगा। अभी गुड, ये बात आपको समझ में आई कि हमने क्यों अमेंडमेंट की, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या अमेंडमेंट की वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन No allotment of the equity shares shall be made unless आपको नीचे meets any two of the following criterias। आपको सारा disclose करना पड़ेगा जी, आपके कौन कौन से defaults चल रहे हैं, of the payment of interest, repayment of the principal amount from any bank, FI, non-deposit taking NBFC or the deposit taking NBFC or listed or the unlisted debt securities in the terms of SEBI circular। तो आपको सारा वो बताना पड़ेगा, at least 90 days after the occurrence of such default। ठीक है, is continuing और ये continuing default है, आपको सारा disclose करना पड़ेगा कि किसी भी bank, FI, NBFC से कौन से रुपए आपने लिए थे जिनके interest या principal की payment आप नहीं कर पा रहे लगातार 90 days तक। ठीक है, और वो कहता है कि जी देयर इज एन इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ये अपने किसी काम का नहीं है। द क्रेडिट रेटिंग जो है वो आपकी डाउनग्रेडेड टू डी। मतलब देखिए, हर एक कंपनी कहती सर हमें 164A में ले जाओ। ठीक है, क्यों? वो 6 months वाला तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था, अभी हमारे शेयर्स बहुत नीचे आए हुए हैं, हम जल्दी से इशू कर देते हैं और जिसको इशू करेंगे उसको तो बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, और वो इसका फायदा उठा लेंगे। अब उसे वो शेयर 70 का नहीं खरीदना, कितने में खरीद लेगा वो तो 42 में, और कल ये शेयर दोबारा बाउंस बैक होकर 100 पे चला गया, अगला कहता है मेरे लिए तो प्रॉफिट ही हो गया। तो हमने कहा कि जी ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जिनके डिफॉल्ट चल रहे हैं और 90 दिन तक लगातार डिफॉल्ट हो रहे हैं, और वो कहते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग डी तक पहुंच गई हो। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग ए बी सी डी ई। ठीक है, और वो कहते हैं कि जी हैज बीन डाउनग्रेडेड टू डी, डी फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया। और वो कहते हैं कि जी अब आपको ये सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। नंबर वन, प्रमोटर को नहीं देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि द प्रेफरेंस इशू, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, शैल नॉट बी मेड टू अ पर्सन, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का वो पर्सन नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर?
ठीक है, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, डिसबार्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर्ड एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ठीक है जी, याद है आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक? यस एग्जैक्टली, जो बड़े फ्रॉड करके जी भाग जाते हैं दूसरे देशों के अंदर, और वो कहता है कि जी जिसको जेल हुई है, ठीक है जी, 2 साल या उससे ज्यादा के लिए इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी या किसी भी कानून में 7 साल के लिए, ऐसे लोगों को आप प्रेफरेंशियल इशू के अंदर शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। प्रमोटर्स को मना किया और बाकी सारे डिफॉल्टर्स को हमने मना किया। और वो कहते हैं कि जी ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ तब तक लगेगी जब तक आप जेल से बाहर 2 साल आपको नहीं हो जाते। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार जेल गए तो अब जिंदगी भर आप नहीं ले सकते, तो अपकमिंग 2 ईयर्स के लिए। और वो कहते हैं कि जी किसी गारंटी आपने दी थी, गारंटर आप थे, लेकिन गारंटी आप पूरी नहीं कर पाए, तो इन दैट केस भी आपको प्रेफरेंशियल इशू के अंदर शेयर्स अलॉट नहीं किए जा सकते। रेजोल्यूशन आपको पास करवाना पड़ेगा जी। रेजोल्यूशन कौन सा है? ओआर है। ठीक है, ओआर है, लेकिन इसके अंदर प्रमोटर्स नहीं वोट कर सकते। ठीक है, सो कहते हैं द वोट्स कास्ट बाय द शेयरहोल्डर इन द पब्लिक कैटेगरी। ठीक है, समझते हैं आप पब्लिक कैटेगरी। पब्लिक कैटेगरी के अंदर जो है शेल बी मोर देन द नंबर्स ऑफ द वोट्स। तो ये क्या बन गया? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की मेजॉरिटी फेवर में है देन द कंपैरेटिव टू अगेंस्ट। ठीक है, और वो कहते हैं जिसको इश्यू करना है अगर वो भी पब्लिक कैटेगरी में है तो वो भी वोट नहीं कर सकता। वो तो ये कहेगा ही कि मेरे को वोट कर दो। ठीक है, सो वो प्रमोटर नहीं है क्योंकि प्रमोटर को तो हम दे ही नहीं रहे, बट किसी जिस भी पर्सन को दे रहे हैं ऐसी कंपनी के अंदर प्रेफरेंशियल इशू, वो पब्लिक कैटेगरी में छुप के बैठा था, तो हमने कहा सर सॉरी आप भी वोट नहीं कर सकते। ठीक है, सो कहते हैं प्रपोज्ड अलॉटी और द अलॉटीज जिनको प्रेफरेंशियल इशू में शेयर देने की बात कर रहे हैं, अगर वो पब्लिक कैटेगरी में छुप के बैठे थे तो वो भी वोट नहीं कर सकते। वो तो इंटरेस्टेड पर्सन हो गए जी। ठीक है, उनको हम वोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं सर हमारा कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर है ही नहीं, फिर सारे वोट कर सकते। ठीक है, फिर किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना। अगर 100% शेयर पब्लिक के पास है, कोई प्रमोटर हमारा आइडेंटिफाइबल है ही नहीं, तो वो कहते हैं वहां पे तो फिर सिंपल बात आ गई कि ज्यादातर वोट्स फेवर में आए देन इन कंपैरिजन टू अगेंस्ट। सिंपल। अब वो कहते हैं कि प्रेफरेंशियल इशू, देखिए ये पैसा हम आपको ये क्यों प्रोविजन दे रहे हैं, ताकि वो जो डूबता जहाज है, डूबती कंपनी, वो किसी तरह बच जाए। ठीक है, अब वैसे ही उसकी शेयर कोई खरीदना नहीं चाहता, तो अगर कोई शेयर उसका 42 में भी ले लेता, हमने कहा 70 रहने तो आप 42 रुपीस दे दो, आप पैसा लगा तो दो, शायद उस पैसे से कंपनी बच जाए। तो हमने कहा वो पैसा जो आया प्लीज वो प्रमोटर लेकर ना जाए। प्रमोटर कहते हैं सर मैंने भी कंपनी को लोन दे रखा है, वो लोन रीपे करवा दो। तो हमने कहा नहीं, प्रमोटर की पॉकेट के लिए पैसा नहीं हमने लिया था। सो कहते हैं प्रोसीड्स इनसे जो भी पैसा आएगा शैल नॉट बी यूज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स टेकन From the promoter or the promoter group or the group companies, ठीक है, ये banks के लिए आया है, वो defaulter है ना bank में, 90 दिनों से ज़्यादा उनका default चल रहा है, bank के लिए कीजिए, company के लिए कीजिए, factories में लगाइए, production बढ़ाइए, ठीक है, ताकि आपकी company चल पड़े। ये क्या बात हुई, वहां से पैसा आया और promoter ले गए, company को तो फिर कुछ मिला ही नहीं। ये आप क्रॉस कर रहे हैं जी। वो कहते हैं कि आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि आपने ये पैसे को कहाँ पे यूज किया, उसको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा, रिलेटेड पार्टी को नहीं देना चाहिए। लॉक इन पीरियड है जी, वो प्रेफरेंशियल इशू जिसको हमने शेयर्स दिए थे 3 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो सारा ये सर्टिफाई करेगा कि ये सारी कंडीशन उन्होंने पूरी की है। ठीक है, क्योंकि सेबी तो अब सबको मॉनिटर नहीं कर सकती, तो उन्होंने स्टैट ऑडिट को कहा, ऑडिटर को कहा कि जी आपको इनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि 164A के जितनी भी हमने आपको कंडीशन बताई 1, 2, 3, 4, 5 वो सारी उन्होंने पूरी की या नहीं की। ये इंपॉर्टेंट है जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेस एसेट कंपनीज के लिए हमने फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के अंदर जो प्राइसिंग है उसको भी मॉडिफाई किया, कौन सी कंपनीज इशू कर सकती हैं, किस को इशू कर सकते हैं, और उसका लॉक इन और प्रोसीड्स का क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स हमने आपको बता दिए। गुड, चलिए LODR। वो कहता है कि जी एक चेंज हमने किया है, वो कहता है कि रेगुलेशन 17 के अंदर 2020 की जगह 2022 कर दिया। ठीक है, देखिए अब ICSI कितने गलत तरीके से आपको बताता है। ठीक है,
सो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इन्होंने बस इतना सा बताया कि अमेंडमेंट क्या है कि 2020 की जगह 2022 कर दिया। है क्या वो था, क्या स्टैंडर्ड प्रोविजन क्या थी वो नहीं बताता, ठीक है, कि बताता है नहीं बताता, कभी कभी बता भी देता। इन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट, मैं आपको भी रेगुलेशन बता रहा हूँ, एलओडीआर रेगुलेशन इज एप्लीकेबल ओनली अपॉन लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर होना चाहिए हर एक कंपनी में, विच वॉज अर्लियर एप्लीकेबल ओनली टू 500 कंपनीज, ठीक है, टॉप 500 लिस्टेड कंपनी, और इसको इन्होंने कहा, और टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन लगेगी बाय द एंड ऑफ 2020। उसको इन्होंने अमेंड करके 2022 कर दिया। 500 पे तो लग चुकी थी, 19 में थी, ठीक है, टॉप 500 पे तो ऑलरेडी लग चुकी है। टॉप 1000 के लिए इन्होंने कहा था कि टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज ऑफ इंडिया के ऊपर ये प्रोविजन लग जाएगी कि उनको एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अनीता अंबानी नहीं काउंट होंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर रखनी मैंडेटरी है। टॉप 1000 कंपनीज के लिए जो डेट थी वो 2020 थी, उसको इन्होंने डिले किया, वो कहते हैं कि जी वो अब हमने 22 कर दिया, ठीक है। सो 2022 तक ये 1000 कंपनीज अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विमेन रख लेती हैं तो ओके है। भी बहुत सिंपल सी है जी, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं कि जी एक फॉर्मेट हमने आपको दिया है जी स्टेटमेंट का, फॉर द डेविएशन और द वेरिएशन द यूज ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज और लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, जो कहकर पैसे लिए थे वहीं पर लगाए होने चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरह की डेविएशन या वेरिएशन है तो उसकी एक स्टेटमेंट का हमने फॉर्मेट आपको दिया जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो कहता है लिस्टेड एंटिटी, ऑब्वियसली एलओडीआर की बात हो रही है जी, दोनों जगह लिस्टेड वर्ड तो कॉमन रहेगा ही, ठीक है, और ये नॉन कन्वर्टिबल है मतलब इक्विटी शेयर्स तो ये नहीं है, ठीक है, ये तो हमेशा नॉन कन्वर्टिबल है, तो डिबेंचर ही रहेंगे पूरी उम्र और प्रेफरेंस शेयर्स ही। तो वो कहते हैं इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द डेविएशन और द वेरिएशन इफ एनी इन द यूज ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और द प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। तो जहां पे बोला था वहीं पे पैसे लगने चाहिए, बट अगर उसमें वेरिएशन है तो प्लीज हमें ये स्टेटमेंट आपको स्टॉक एक्सचेंज को देनी रहेगी, ठीक है। स्किपिंग इट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा टेक्निकल मतलब ना प्रोसीजरल नेचर का है। फ्रीक्वेंसी विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर, जिसके अंदर आपको वो पैसे फुली यूटिलाइज करने थे, और ऑडिट कमिटी को भी हमने साथ में कहा कि जी आप भी इसको मॉनिटर करना। चलिए जी आगे आते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा है जी, हर एक चीज का नाम आजकल SOP बना देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है, कि कोई भी अगर चीज करनी है तो कैसे करनी है उसका हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2, पूरा प्रोसीजर मतलब पूरी प्रोसेस हमें पता लग जाए, ठीक है। तो वो कहता है कि जी हमने इसमें दो चीजें बताई कि अगर आप हमारी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड द डिस्क्लोजर की रेगुलेशन के साथ नॉन कंप्लायंस करेंगे तो क्या होगा, और SOP फॉर द सस्पेंशन एंड द रेवोकेशन हमने इसके अंदर बताया, ठीक है। ये कुछ खास इसमें है नहीं, छोटी सी है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। बट SEBI ने अमेंडमेंट के अंदर ये बात बताई कि अगर आप हमारी LODR की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपके शेयर पहले सस्पेंड या आपकी जो ट्रेडिंग है वो रिवोक कर ली जाएगी, उसके लिए हमने SOPs बनाकर आपको दिए। सो फास्ट रीड है, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। SEBI has issued the circular specifying to uniform structure of imposing the fines, ठीक है जी, हर एक के लिए अलग अलग फाइन ना हो, एक यूनिफॉर्म सबके ऊपर एक जैसा फाइन हो, as the first resort for the non-compliance, सबसे पहले तो हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे।
और फिर फ्रीजिंग द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर एंड द प्रमोटर ग्रुप, और हमने एसओपी भी बना दिए फॉर द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग इन केस ऑफ द नॉन कंप्लाइज कॉन्टिन्यूइंग, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम एसओपी आपके ऊपर लगा देंगे या फिर रेपिटेटिव। पहली गलती तो फिर माफ होती है जी, लेकिन बार बार करते हैं तो इसका मतलब इंटेंशनली आप कर रहे हैं। द स्टॉक एक्सचेंज शेल विद रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज मार्केट शेल टेक द एक्शन इन द इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लिस्टिंग रेगुलेशन, और वो उनको एसओपी फॉलो करना रहेगा। और नॉट सो इम्पॉर्टेंट जी, ठीक है, बस इतनी सी बात थी कि ये एसओपीज लेकर आए हैं। इसके बाद केस लॉज हैं, वी आर कमिंग टू द चैप्टर नंबर 6 सास्ट ट्रिपल स्टार ना करेंगे जी ऑब्वियसली। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर द अमेंडमेंट्स विद रिगार्ड टू टेक ओवर्स, ठीक है जी, जिसको हम सास्ट रेगुलेशंस भी कहते हैं, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स एंड द टेक ओवर्स रेगुलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल पॉइंट ऑफ व्यू। और ये सारी ना कोविड से रिलेटेड है, ठीक है। सो अच्छे चेंजेस हैं, वेलकमिंग हैं, और मेरे को बड़े अच्छे लगे, ठीक है। सुनिए एक प्रोविजन थी ओपन ऑफर की, रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। रेगुलेशन 1 कहती है 25% जब आप क्रॉस करेंगे ओपन ऑफर करनी ही पड़ेगी। सब रेगुलेशन 2 कहती है कि 25 तो मैं पहले ही क्रॉस कर चुका, अब एक साल में 5% से ज्यादा के शेयर्स या वोटिंग राइट्स वाले अगर आप एक्वायर कर लेते हैं इन दैट केस आपको ओपन ऑफर करनी पड़ेगी। हमने कहा कि जी उसको इन्होंने सिर्फ इस साल के लिए 10%, ठीक है, क्योंकि कंपनीज के बिजनेसेस हुए बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कंपनी की सर्वाइवल के लिए, ठीक है। हमने उनको नए शेयर्स इशू किए, किसको, प्रमोटर्स को जिनके पास पहले से ही 25% से ज़्यादा के शेयर थे, ठीक है, और उनको ओपन ऑफर करनी मैंडेट नहीं की अगर वो इस साल सिर्फ इस साल 2021 के अंदर 10% तक भी शेयर और एक्वायर कर लेते हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सिर्फ इस साल के लिए क्योंकि बुरा टाइम चल रहा है। वी नीड द फंडिंग, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंपनीज, और कंपनीज जब प्रमोटर के पास पैसा मांगने गई तो वो कहते हैं कि जी सास्ट रेगुलेशन लग जाएगी, मेरे को ओपन ऑफर करनी पड़ेगी, खर्चा बहुत हो जाएगा, तो हमने कहा नहीं ओपन ऑफर नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि जी 5% को प्रोवाइडेड दैट, हमने एक प्रोवाइजो ऐड कर दी इसके अंदर जिसमें हमने क्या कहा कि 5% के बियॉन्ड आप जा सकते हैं लेकिन 10 के बियॉन्ड मत जाना। ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी शैल बी परमिटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्विजिशन बाय द प्रमोटर, और वो कैसे ले रहा है, प्रेफरेंशियल इशू करके। प्रमोटर कहता है कि सर मैं पब्लिक से खरीद लेता हूं, 8% पब्लिक से खरीद लेता हूं, ठीक है, मेरे पास नए 8% के वोटिंग राइट्स आ गए जी, पब्लिक से खरीद लिए, क्या उसे एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाउ मेनी ऑफ यू से यस, मिल जाएगी 10% तक एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर 2021 के अंदर वो 8% पब्लिक से खरीद लेता है तो उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ये कितने बचे कहते हैं हम इन के सर नहीं मिलेगी। द मेजोरिटी इज राइट जी, ऑब्वियसली नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें कंपनी तक तो पैसा पहुंचा ही नहीं, ठीक है जी, वो तो किसी और शेयर होल्डर के पास गया, इसलिए उन्होंने वर्ड क्या लिखा, प्रेफरेंशियल इशू के तौर पर। तो इस केस में नए शेयर्स हैं जी, ब्रांड न्यू शेयर्स अगर उसे अलॉट किए जा रहे हैं बाय द टारगेट कंपनी, तो उसने यहाँ पे अब बताया भी है। अब वो कहता है कि जी ये क्या बन गई प्रोविजन, तो यहाँ पर बड़े अच्छे से सप्लीमेंट इन्होंने दिया जी। तो वो कहते हैं कि अब अमेंडमेंट के बाद ये कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ था पहले वो हम आपको बताते हैं, फिर ये प्रोविजो नहीं ऐड हुई है। तो कहते हैं नो एक्वायरर हु टुगेदर विद द पैक विद हिम हैज एक्वायर्ड और होल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन शेयर्स और द वोटिंग राइट्स, शेयर्स और द वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी एंटाइटलिंग हिम टू एक्सरसाइज 25% और मोर
of the voting rights in the target company, but less than the maximum not permissible public shareholding, shall acquire within any financial year additional shares or the voting rights in such target company, entitling them to exercise more than 5%. ठीक है, 5%. Unless आप 5% से ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, unless open offer कर दो. Open offer कर दोगे फिर ले सकते. Provided, ये proviso add हुई, the acquisition beyond the 5% but up to 10% of the voting rights in the target company shall be permitted for the financial year 2021 only in respect of the acquisition by a promoter pursuant to the preferential issue of the equity shares of the target company. अगर वो 10% के beyond कर देता फिर उसको open offer, फिर उसको open offer करने पड़ेगी. Yes, तो exemption हमने 10% तक इनको दे दी है. और इसमें जो keywords हैं, एक तो उसने शेयर्स वर्ड देखिए ऊपर, शेयर्स और वोटिंग राइट्स. ठीक है, सो यहाँ पे उसने सिर्फ वोटिंग राइट्स बोला और साथ में बोल भी दिया इक्विटी, क्योंकि इक्विटी नहीं वोटिंग राइट्स होते. और होगा कैसे, प्रेफरेंशियल इशू के द्वारा. रैशनल उसने ये बात बताई कि जी पहले 5% था, उसके बाद आपको टेक ओवर कोड के अंदर ओपन ऑफर लग जाती थी. ठीक है, लेकिन हमने रिलैक्सेशन दी है जी पेंडेमिक की वजह से, सो इन दैट केस ठीक है जी अप टू 10%. और ये लिमिट तो आपको पता ही है जी कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो 75% तक ही आप प्रमोटर होल्डिंग हो सकती है, उसके बाद 25% शेयर तो पब्लिक के पास होने ही चाहिए. ऑब्वियसली तो वो कहता है कि जो हमने आपको रिलैक्सेशन दी है, ठीक है, दैट इज अप टू 31st of March 2021. एक और अमेंडमेंट है जी, आइए वॉलेंट्री ऑफर के अंदर. वन मोर अमेंडमेंट इज द, मैंने ना आपको जब वॉलेंट्री ऑफर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वॉलेंट्री ऑफर अगर करनी है तो उसके अंदर शेयर्स एक्विजिशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है. जब तक आपकी वॉलेंट्री ऑफर ओपन है उस दौरान आप सिर्फ ओपन ऑफर से ही, वॉलेंट्री ऑफर से ही पैसे ले सकते हैं, किसी और तरह से नहीं ले सकते. उससे पहले 52 वीक्स में आपने किसी भी और तरह से शेयर्स एक्वायर ना किया और उसके बाद 6 मंथ्स तक आप किसी भी और तरह से शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकते. वो जो 52 वीक्स वाली ऑब्लिगेशन थी वो हटा दी थी. ठीक है, तो अगर मैंने शेयर्स पहले एक्वायर किए थे और आज मैं वॉलेंट्री ऑफर करना चाहता हूँ तो अब मैं वो कर सकता हूँ. 52 वीक्स वाली जो अमेंडमेंट है 31 मार्च 2021 तक उसे हटा दिया गया है. ठीक है, वॉलेंट्री ऑफर क्या थी पहले पुरानी प्रोविजन में आपको पढ़ा देता हूँ. एन एक्वायर हु टुगेदर विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, जिसके पास पहले से ही शेयर है कितने, 25 से ज्यादा, ठीक है, बट 75 से कम, शेल बी एंटाइटल, आप वॉलेंट्री पब्लिक अनाउंसमेंट करके ओपन ऑफर कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन सब्जेक्ट टू देयर एग्रीगेट शेयर होल्डिंग. जो ओपन ऑफर में है वो 75 को क्रॉस ना करें. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट आपने 52 वीक्स के अंदर कोई भी शेयर एक्वायर ना किए हो. तो वो कहता है ये जो फर्स्ट प्रोविजो है 31 मार्च 2021 तक नहीं लगेगी. फर्स्ट प्रोविजो, सिर्फ प्रोविजो आपके ऊपर नहीं लगेगी. ठीक है, सो ये प्रोविजो आपके ऊपर नहीं लगेगी. आर यू गेटिंग इट? पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होगी. नहीं, पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी. पहले हम ये कहते थे कि अगर आपने पिछले 52 वीक्स में अदर देन ओपन ऑफर कोई भी शेयर्स एक्वायर किए हैं तो आप 52 वीक्स तक वॉलेंट्री ऑफर नहीं कर सकते. अब हमने कहा कि ये प्रोविजो आपके ऊपर नहीं लगेगी. तो अगर मैंने 10 दिन पहले कोई शेयर्स एक्वायर किए थे तो आज मैं वॉलेंट्री ऑफर कर सकता हूं. फिर से बोल रहा हूं, प्रोविजो बस यही कहते थे कि एक्वायर और द पैक जिसने पिछले 52 वीक्स के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट किए बिना अगर कोई शेयर एक्वायर किए थे, he shall not be eligible for the voluntary open offer.
लेकिन ये प्रोवाइजो नहीं देगी, मतलब अगर आपने पहले शेयर एक्वायर किए हैं और आज आप वॉलेंट्री ओपन ऑफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ICDR की रेगुलेशन 164A किसी को पता है कौन सी है? 164A बिल्कुल जी, बिल्कुल अभी आपको थोड़ा भाई कि प्रेफरेंशियल इशू अगर आप करना चाहते हैं ऑफ अ कंपनी हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट्स तो उसको हमने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी, तो वहां पर भी हमने कहा कि ओपन ऑफर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मेरी कंपनी लिस्टेड है ठीक है, बट डूबता जहाज, डूबती हुई कंपनी स्ट्रेस एसेट्स है और आज मैं प्रेफरेंशियल इशू करके किसी को 40% शेयर देना चाहता हूँ तो वो कहता है ओपन ऑफर करनी पड़ेगी, 25% से ज्यादा शेयर कैसे दे दिया आपने? तो हमने कहा सर ये सेक्शन 10 रेगुलेशन 10 आपको पता है, ये रेगुलेशन 10 और 11 ठीक है, 10 हमारी है जिसमें आपको पूछना नहीं पड़ता ऑटोमेटिक एग्जम्पशन, तो इन दैट केस आपको ओपन ऑफर नहीं करनी पड़ेगी ऑटोमेटिक एग्जम्पशन, तो उसके अंदर हमने 164A को ऐड करवा दिया। शेल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम मेकिंग द ओपन ऑफर अंडर द सब रेगुलेशन 1 एंड द रेगुलेशन 4। फाइन, इंटरलेट हो रहा है ये सारा, तो हमने इसे टेक ओवर के अंदर भी अमेंडमेंट कर दी। रैशनल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जी, आई एम स्किपिंग। आगे केस लॉज आ रहे हैं, फॉर द टाइमिंग वी आर स्किपिंग ऑल द केस लॉज एंड जस्ट कवरिंग द ब्रेक ले लेंगे 5 मिनट। सही केस लोग सारे